भरतपुर में पत्रकार पर हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे आरोपी पक्ष के हौसले बुलंद है। गुरुवार को एक बार फिर नामजद आरोपियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हुए उसे धमकी भरे मैसेज किए। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आरोपियों से खुद की जान को खतरा बताया है।